एक चूहा किसान के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि किसान और उसकी बीवी एक थैली से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान है। खूब गौर से देखा पर उसने पाया कि वो एक चूहेदानी थी। खतरा भांपने पर उसने घर के पिछले हिस्से में जाकर कबूतर को ये बात बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे क्या, मुझे कौन सा इसमें फंसना है। मायूस चूहा ये बात मूर्ख को बताने गया। मूर्ख ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि जा भाई, ये मेरा मसला नहीं है। मायूस चूहे ने जाकर बकरे को ये बात बताई और बकरा हंसते हंसते लूटपूट होने लगा। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज हुई जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी दुम को चूहा समझकर किसान की बीवी ने उसको निकाला और सांप ने उसे डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर किसान ने हकीम को बुलवाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने का मशवरा दिया। कबूतर अभी बर्तन में उबल रहा था। खबर सुनकर किसान के कई रिश्तेदार मिलने आ पहुंचे, जिनके खाने के इंतजाम के लिए अगले दिन मुर्ग को ज़िबा किया गया। कुछ दिनों के बाद किसान की बीवी मर गई। जनाजा और मौत ज़ियाफ़त में बकरा परोसने के अलावा कोई चारा न था। चूहा दूर जा चुका था, बहुत दूर। अगली बार कोई आपको अपने मसले बताए और आपको लगे कि ये मेरा मसला नहीं है तो इंतजार कीजिए और दोबारा सोचें। हम सब खतरे में हैं। समाज का एक उज़्वा, एक तबका, एक शहरी खतरे में है तो पूरा मुल्क खतरे में है। जात और तबके के दायरे से बाहर निकलिए। खुद तक महदूद मत रहिए, दूसरों का एहसास कीजिए। हमारे कश्मीरी बहन भाई जिस अजाब से गुजर रहे हैं उसका आपको अंदाजा भी नहीं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमारी इस्लामी बिरादरी भी भंग पीकर सो रही है और वहाँ रोज कई जनाजे उठते हैं। खुदारा जागो, खुदारा जागो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो भी बुराई देखे तो उसे अपने हाथ से रोके, अगर उसकी ताकत ना हो तो जुबान से रोके, और अगर उसकी भी ताकत ना हो तो दिल से रोके। और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। अगर आपके दिल में इंसानियत के लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी है, थोड़ी सी भी, तो इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैरा। आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।